मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है। मैं हूँ संजना। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की टॉप 10 स्टोरीज ऑफ मई 2019। अपने बच्चों को अपनी लव स्टोरी सुनाएंगी प्रियंका चोपड़ा। सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस ने पहली बार खुलासा किया है कि वो अपने बच्चों को कौन सी कहानी सुनाने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। न्यूयॉर्क में 2019 मेट गाला का आयोजन हो रहा है। ये वही इवेंट है जहां दो साल पहले प्रियंका और निक की मुलाकात हुई थी। इसी मुलाकात से शुरू हुई थी देसी गर्ल और निक की लव स्टोरी। अब प्रियंका चोपड़ा ने अपने दो साल की मेट गाला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्टोरी में ये बताया है कि वो अपनी और निक की मुलाकात के बारे में अपने बच्चों को बताना चाहती हैं। प्रियंका ने रेड हार्ट के कुछ इमोजी के साथ लिखा, हमारे फ्यूचर बच्चों को मैं ये जरूर बताऊंगी कि मैं किस तरह से तुम्हारे पापा से मिली थी। ऋषि कपूर से मिलने पहुंची थी रणबीर की एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण। न्यूयॉर्क में आयोजित मेट गाला में शानदार एंट्री के बाद दीपिका पादुकोण अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर खास तौर से ऋषि कपूर की तबीयत का हाल जानने पहुंची थी। दीपिका के पहुंचने से ऋषि कपूर और नीतू कपूर काफी खुश थे। इस खास पल की तस्वीरें नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की। इस खुशी को नीतू कपूर और रणबीर कपूर की बहन रिधिमा ने खास अंदाज में एक्सप्रेस किया। दरअसल दीपिका को रणबीर कपूर की बहन रिधिमा ने एक खास ब्रेसलेट गिफ्ट दिया। दीपिका ने इसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, दुआएं और प्यार। नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर दीपिका संग बिताए टाइम की कई तस्वीरें भी शेयर की थी। इन तस्वीरों में दीपिका, ऋषि कपूर और नीतू कपूर काफी खुश नजर आ रहे हैं। दीपिका पादुकोण बनी देश की फीमेल ब्रांड नंबर वन। इस वक्त भारत की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी ब्रांड हैं दीपिका पादुकोण, और उनके बराबर अगर कोई टिकने में कामयाब हो पाया है तो वो हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली। सेलिब्रिटी ब्रांड्स की ब्रांड वैल्यू पर नजर रखने वाली कंपनी के ताज़ा आंकड़ों की माने तो दीपिका पादुकोण की ब्रांड वैल्यू 10 करोड़ डॉलर यानी 700 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सितारों की फोर्ब्स की लिस्ट में भी दीपिका की कमाई पिछले साल 113 करोड़ रुपए बताई गई। ब्रांड वैल्यू के लिहाज से दीपिका ने क्रिकेटर MS धोनी, अभिनेता आमिर खान और खुद अपने पति रणवीर सिंह को भी पीछे छोड़ दिया है। बारिश के बीच प्रियंका की हुई कांस में एंट्री, निक ने थामा छाता। प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस के साथ रॉयल अंदाज में कांस के रेड कारपेट पर एंट्री की। प्रियंका चोपड़ा सफेद ब्राइडल गाउन में नजर आई। ऑफ शोल्डर फ्लेयर गाउन के साथ प्रियंका ने डायमंड नेकलेस और इयररिंग को टीम अप किया था। हेयर स्टाइल को सिंपल रखते हुए प्रियंका ने सिंपल पोनी टेल की थी। प्रियंका की तरह निक जोनस ने भी व्हाइट सूट पहना था। निक के साथ प्रियंका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो भी शेयर किया है जहां वो निक को हैंडसम हबी कहती नजर आ रही हैं। कांस में प्रियंका और निक की खास ट्यूनिंग भी देखने को मिली। दरअसल जैसे ही रेड कार्पेट पर पीसी की एंट्री हुई तभी हल्की बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से प्रियंका को बचाते हुए निक जोनस ने खुद छाता हाथों में थामा। प्रियंका चोपड़ा का कांस लुक चर्चा में बना हुआ है। ब्राइडल गाउन से पहले पीसी तीन अलग लुक में नजर आ चुकी हैं। प्रियंका का स्काई ब्लू सैटिन गाउन में लुक बहुत खूबसूरत था। इसे हैट के साथ रॉयल टच दिया गया था। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल हुआ कपिल शर्मा का नाम। फैंस के दिल पर राज करने वाले कपिल शर्मा भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कॉमेडियन की लिस्ट में शुमार हो गए हैं। हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने कपिल शर्मा को भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कॉमेडियन के रूप में सम्मानित किया है। कपिल से जुड़ी इस जानकारी को उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ ने अपने इंस्टाग्राम से शेयर किया है। जैसे ही गिन्नी ने इस जानकारी को शेयर किया वैसे ही कपिल के चाहने वालों की तरफ से बधाई का तांता लग गया। डीजे वाले बाबू खिलाएंगे सबको टेस्टी खाना। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो से लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचने वाले मशहूर रैपर बादशाह अब रेस्टोरेंट व्यवसाय में उतर गए हैं। बॉलीवुड में एक बड़ा नाम बन चुके बादशाह ने प्रियांक सुखीजा के साथ मिलकर ड्रैगन फ्लाई एक्सपीरियंस नाम से एक रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया है। बादशाह का ये रेस्टोरेंट दिल्ली के एरो सिटी और मुंबई के हर इलाकों में एक साथ खुलेगा। अपने शानदार लाइफस्टाइल के लिए मशहूर बादशाह ने अपने इस नए रेस्टोरेंट के माध्यम से लोगों को एक स्थान पर बेहतरीन स्टाइल के साथ लजीज भोजन और ड्रिंक्स उपलब्ध कराने का वादा किया है। बादशाह का ये रेस्टोरेंट लोगों को अलग तरह का अनुभव कराएगा, ये उनका वादा है। सलमान खान ने आलिया भट्ट की जमकर तारीफ। फिल्म भारत की रिलीज के बाद सलमान खान दबंग 3 में बिजी हो जाएंगे। इसके बाद सलमान खान संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाल्लाह में आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे।
इंशाल्लाह में सलमान आलिया की जोड़ी पहली बार देखी जाएगी। इसी बीच हाल ही में सलमान खान से आलिया भट्ट के साथ काम करने को लेकर एक सवाल किया गया, जिसका जवाब देते हुए एक्टर ने आलिया की जमकर तारीफ की। सलमान की नज़र में आलिया के अंदर काफ़ी टैलेंट है, सलमान खान में उतना नहीं है। सलमान ने कहा, अगर कोई कहे कि आलिया को मैंने बनाया है तो ये झूठ है, आलिया ने अपना टैलेंट खुद चमकाया है। आलिया के साथ काम करने के बारे में पूछे जाने पर सलमान ने कहा कि आलिया टैलेंट की गोदाम है, जबकि उनके पास कोई टैलेंट नहीं है। उन्होंने कहा, टैलेंट की गोदाम और टैलेंट के बंडल का मिलन होगा, असल में यहाँ कोई टैलेंट नहीं है। इसके बाद सलमान ने कहा कि आलिया ने शानदार तरीके से खुद को स्टूडेंट से एक बेहतरीन एक्ट्रेस में तब्दील किया है, उसकी ग्रोथ का क्रेडिट सिर्फ उसी को जाता है। मिनिस्टर बनना चाहती है हेमा मालिनी। मथुरा लोकसभा सीट से हेमा मालिनी ने बड़ी जीत हासिल की। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद हेमा ने कहा, जीत को लेकर तो पूरा विश्वास था, लेकिन नतीजों से पहले थोड़ा डर लग रहा था। एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने कहा, जीत का तो पूरा विश्वास था, लेकिन जनता इतनी बड़ी जीत दिलाएगी इसको लेकर संशय था। मुझे डर लग रहा था, लेकिन खुशी है कि लोगों ने मुझे दोबारा सांसद चुना, मुझ पर विश्वास जताया तो मेरी भी उनके प्रति जिम्मेदारी बनती है। जब उनसे पूछा गया कि दोबारा सांसद बनने के बाद मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, तो इस सवाल के जवाब में पहले तो हेमा मालिनी मुस्कुराई, फिर बोली, देखेंगे, अगर ऑफर आया तो, भगवान की इच्छा अगर ऐसी है तो जरूर मंत्री बनेंगे। संसद पहुंचे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का अंदाज। शनिवार को संसद के सेंट्रल हॉल में बीजेपी की बैठक हुई। इस दौरान चुनाव में जीत चुके कई सेलेब्स भी वहां पर पहुंचे। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी भी बैठक में पहुंची। भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन भी बैठक के दौरान पहुंचे, वो गोरखपुर से बीजेपी के उम्मीदवार रहे। बॉलीवुड एक्ट्रेस और चंडीगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार किरण खेर भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची। सनी देओल बीजेपी से पंजाब के गुरदासपुर सीट से खड़े थे, उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और भारी वोटों से जीत हासिल की। दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी चुनाव लड़े, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित को हराकर सीट अपने नाम कर ली। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के पिता वीरू देवगन का हुआ निधन। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के पिता वीरू देवगन ने मुंबई में अंतिम सांसें ली। उनकी सेहत काफी समय से खराब चल रही थी। मुंबई में 27 मई 2019 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। वीरू मशहूर स्टंट और एक्शन कोरियोग्राफर और डायरेक्टर थे। उन्होंने करीब 80 से ज्यादा फिल्मों में एक्शन कोरियोग्राफ करने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान की कसम नाम से आई फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।